हाय कैसे हैं आप तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप फेशियल योगा रूटीन शेयर करने वाली हूं जिसको कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्किन में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए फेशियल मसल्स को टोन करने के लिए और साथ ही अपने स्किन पे एक हेल्दी और नेचुरल ग्लो लेकर आने के लिए अगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा फेस आज पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल पर क्लिक जरूर कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पर ना ओवरऑल पर्सनलॉलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज ही शेयर करती हूँ नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन तो सबसे पहले तो हमको जब भी फेशियल योगा करना है उससे पहले अपने स्किन को प्रिपेयर करना है इनको प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप है अपने स्किन को प्रॉपरली क्लीन करना तो हमें कोई भी फेस वॉश या को जो भी क्लींजर आप यूज करते हो उससे स्किन को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है और फिर उससे टॉल से पैड ड्राई कर लेना है नेक्स्ट स्टेप पे हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है मॉइस्चराइज करना है जिसके लिए कि आप या तो कोई फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो या मॉइस्चराइजर या क्रीम जो भी आप यूज करते हो वो यूज करनी है जिससे कि जब आप फेस योगा पोजेस करो तो वो अननेसेसरी स्किन आपकी स्ट्रेच होकर जबरदस्ती से रिंकल्स क्रिएट ना हो जाए स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपको खुद को इंटरनली हाइड्रेट करना है इसलिए फेशियल योगा करने से पहले आपको एक गिलास पानी भी जरूर पीना है स्किन को प्रॉपरली क्लीन एंड मॉइस्चराइज करने के बाद हमको आराम से बैठ जाना है और फाइव डीप ब्रेथ लेनी है यानी कि गहरी सांसें लेनी है जिसमें कि आप अपने नोज से इनहेल करेंगे जितना आप गहरा अपने सांस को लेकर जा सकते हैं पेट आपका फूलना चाहिए जब आप सांस को अपने अंदर ले इनहेल करें जब और जब आप अपने सांस छोड़ें एक्सहेल करें तो वो आपको अपने मुंह से एक्सहेल करनी है और आपका पेट जो है आपकी टम्मी जो है वो श्रिंक होने चाहिए जब सांसें बाहर निकले हमको फाइव डी ब्रेथ करनी है नेक्स्ट हमको अपने फेस को वार्म अप करना है जिसके लेके हम करेंगे फुल फ़ेस टैपिंग तो फेस टैपिंग हम फाइव टू टेन टाइम्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको बहुत हल्का हल्का अपनी फिंगर के टिप से करना है ऐसे इस तरीके से हमको टैपिंग करनी है फिंगर्स को हल्का सा बेंड करके आप करोगे ऐसा करने से जो फेस है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा फास्टन अप हो जाएगा वार्म अप हो जाएगी स्किन और आप अपनी फेशियल स्किन को प्रिपेयर कर लोगे फर्दर जो योगा पोजेस करने हैं उसके लिए तो ये वार्म अप हमारा करना बहुत जरूरी है फेशियल योगा करने से पहले नेक्स्ट हम जो फेस योगा पोजेस करने वाले हैं वो हमारे फोकस करेंगे हमारे आईब्रोज के अराउंड एरिया पे हमारे आइज के अराउंड एरिया पे और हमारे फोरहेड पे इसमें जो फर्स्ट फेशियल एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने फिंगर्स को इस तरीके से आईब्रोज के ऊपर रखना है और फिर आपको जितना अपना जोर लगा सकते हो आईब्रोज को ऊपर की तरफ करना है पुश ऊपर की ओर उठाना है और जो फिंगर्स है उनसे आप बस आप हल्का सा प्रेशर डालोगे कि जैसे आप फिंगर से आईब्रोज को नीचे मतलब रेजिस्ट कर रहे हो उनके ऊपर उठने को जो आईज होंगी वो आपकी वाइड ओपन रहेंगी इसी में जो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसमें अपने आईब्रो को ऊपर लिफ्ट करना है और उसके बाद उसको श्रिंक करके नीचे लेके आना जैसे कि हम दोनों आईब्रोज को मिलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर रिलैक्स फाइव टाइम्स इसको भी रिपीट करेंगे हमने अपने इस एरिया को एक्सरसाइज किया है और थर्ड इसमें जो एक्सरसाइज करनी है उसमें हम अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे आईब्रोज ऊपर आईज नीचे जितना आप पुश कर सकते हो नीचे देखने के लिए आप लेफ्ट एंड राइट घुमाना चाहो तो वो भी कर सकते हो इससे हमारी आईज को एक प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा इस वाले एरिया को जिसमें यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और उससे जो ये डार्क सर्कल्स हो जाती है या फिर कहीं की लूज होने लग जाती है तो वो वाली प्रॉब्लम है वो टैकल होती है। तो इसको भी टाइम्स करेंगे करेंगे नेक्स्ट फोकस हमारे चीक एंड हमारे लिप्स एरिया पे अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गई की क्योंकि हमको लिप्स वाली भी एक्सरसाइजेस करनी है हम लिप्स को स्ट्रेच करेंगे इसमें इसलिए आप अपने लिप्स पे हल्का सा एक लिप बाम भी लगा लो ताकि लिप्स जो है वो अननेसेसरी स्ट्रेच ना हो फटने ना लग जाए प्रॉब्लम ना हो आपको योगा पोजेस को करते हुए नेक्स्ट जो पोज है उसमें हमको पाउट बनाना है फिश फेस बनाना है अपना ऐसे और उसको कंप्लीट करने के लिए जब हम रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स करते हुए हमको अपने चीक्स को जो वाइड मतलब स्ट्रेच करना है अपनी स्माइल करनी है एक लंबी सी ऐसे ठीक है देखो ये पोज होगा जिसमें हम सक कर देंगे अपने चीक्स को अंदर की तरफ जैसे अंदर से हम दोनों चीक्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसके बाद राइट इसको भी हम फाइव टाइम्स करेंगे नेक्स्ट हमको क्या करना है नोज से हमको इनहेल करना है और अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है हमें अपने चीक्स में हवा भरनी है और जब हमको हवा भरनी है तो हम ऐसे फिंगर्स रख लेंगे ऐसे आपको ऐसे नहीं करना है हमको यहाँ पर हवा नहीं भरनी है अपने इसी वजह से हम यहाँ फिंगर्स रखेंगे इसको आपको फाइव सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है अपने अंदर ये जो हवा भरी है आपने और उसके बाद फाइव सेकेंड्स के बाद आप उसको अपने माउथ से एक्सहेल कर दोगे इसको भी हम फाइव टाइम्स रिपीट करेंगे नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको ये जो हम हवा भर रहे थे ना चीक्स में यही भरनी है हवा दोबारा से और आपको एक चीक से दूसरे चीक में उस हवा को शिफ्ट करना है इस तरीके से और ये शिफ्ट करते हमको टेन टाइम शिफ्ट करना है बीच बीच में अगर आपको जरूरत लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं फिर अगर आपको ऐसा लगे कि आपका फेस थक गया है तो आप दोबारा से टैपिंग कर सकते हो वो जो मसल्स हैं वो एक बार फिर से रिलैक्स एंड वार्म अप हो जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज फोकस करेंगे हमारी जॉ लाइन एंड हमारी नेक को इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने हेड को हल्का सा ऊपर की तरफ जैसे हम छत पे देख रहे हो ऐसे इस तरीके से टिल्ट करना है पीछे और हमें अपने माउथ को ओपन करके जो हमारा नीचे वाला लिप है उसको थोड़ा सा आगे लेके आना है जॉ को थोड़ी से आगे करना है ऐसे और उसको ऊपर वाले लिप से मिलाने की कोशिश करनी है थोड़ा आगे करके ये देखो ऐसे टिल्ट किया जॉ को आगे किया और और ये भी हमको करना है फाइव टाइम्स जब आप बिगिनर हो शुरू कर रहे ये एक्सरसाइज करनी तो आप ऐसे कर सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको बार बार नेक नीचे लेकर आने की जरूरत नहीं है आप इसको कॉन्टीन्यूटी में भी कर सकते हो और फिर एक बार आके नीचे रिलैक्स कर लिया राइट right, तो ये फोकस करते हैं हमारी जॉ लाइन को हमारे जो नेक के मसल्स हैं इस पर जो रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करती है डबल चीन के इशू को सॉल्व करती है हमारी जॉ लाइन को प्रॉपरली डिफाइन करने में हेल्प करता है और ऑब्वियसली इस एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है और मसल्स को टोन्डअप करता है नेक्स्ट हमको क्या करना है अपने माउथ को हल्का सा खोलना है और ऐसे स्माइल करना है कि हमारे जो नेक की ये पूरी मसल्स हैं ये भी स्ट्रेच हो ऐसे ठीक है तो ये हम फाइव टाइम्स करेंगे इससे भी हमारी ये जो सारे मसल्स हैं अंदर से पूरे प्रॉपर स्ट्रेच होंगे नेक्स्ट क्या करना है आपको कि अपने हेड को पीछे की तरफ टेल्ट करना है अपनी जो फिंगर्स हैं इनको जो आपकी ये जो कॉलर बोन है इसके ऊपर रखना है अब करना क्या है हमें कि हम जब टेल्ट करते हैं ना तो हमारी गर्दन जो है हमारा गला ऊपर की तरफ हमारी स्किन स्ट्रेच होगी हमको फिंगर से उसको रेजिस्ट करना है एक तरीके से स्किन को नीचे की तरफ पुल करना है हमें और इस तरीके से तो इससे प्रॉपर एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा जिससे कि हमारी जो लाइन्स बननी शुरू होती है ना उसका इश्यू रिजोल्व होता है और हमारी क्योंकि नेक प्रॉपर्टी स्ट्रेच नहीं होती है हम यहाँ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं ना तो ये वाले एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारी नेक जो है वो और अप हो जाती है तो इसको भी फाइव टाइम्स करेंगे और फिर एकदम से सारे को करते हुए हमें अपनी नोज को, को अपने माउथ को पूरा अच्छे से श्रिंक करना है पूरा स्क्वीज कर देना है सारे मसल्स को और ये करने के बाद हमें उसे फाइव सेकेंड्स तक होल्ड करना है फिर रिलीज कर देना है एक बार और रिपीट करते हैं इसको ताकि आप अच्छे से सीख जाओ कि कैसे हमें स्क्वीज करना है पूरे मसल्स को और फिर उसको हम रिलैक्स कर देंगे इसके बाद हमने जो फेशियल एक्सरसाइजेस की हैं पहले हमने वार्म किया था अब हमको उसको कूल डाउन करना है अपनी फेशियल स्किन को उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले अपने पाम्स को अच्छे से हम रब करेंगे ऐसे और फिर हल्का सा पूरे फेस पे हल्का हल्का सा हल्का सा बस बिल्कुल प्रेशर देना है अपने फेस पे ताकि वो रिलैक्स हो जाए जो हमने इतना स्ट्रेचिंग की है अभी तक अपने फेस पे जो एक्सरसाइजेस किए हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा हमारा पूरा फेस नेक्स्ट हमको फिर से फाइव टाइम डीप ब्रेथ करनी है ये करने के बाद आपको थोड़ी देर आराम से मेडिटेटिव पोज में बैठना है अपनी फिंगर्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए आप ये इस तरीके से ज्वाइन करके रिलैक्स बैठिए हो सके तो आइज अपनी क्लोज कर लीजिए और अपने फेस में जो हल्की हल्की सी सेंसेशन हो रही है आपको उसको फील करना है थैंक्स करना है यूनिवर्स को गॉड को जिनको भी आप मानते हो उनको दिल से शुक्रिया अदा करना है थैंक यू कहना है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो भी आपके पास है उन सब चीज़ों के लिए और अपने फेस की स्किन पे जो ब्लड का फ्लो है जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है वो सारी आपको फील करनी है जो भी आपके फेस के मसल्स अप हो रहे हैं आपके एक्सरसाइजेस से उन्होंने एक एक एरिया के ऊपर आपको फोकस करना है कि वो टोंड अप हो रहे हैं और एक हेल्दी ग्लो आपके स्किन के ऊपर आ रहा है ये करना बहुत जरूरी है हमेशा याद रखो कि जैसे कि बाकी एक्सरसाइजेस करते हुए वार्म अप एंड कूल डाउन सेशंस बहुत जरूरी होते हैं वैसे ही फेशियल योगा करते हुए वार्म अप एंड कूलिंग डाउन बहुत ज़रूरी होता है हमें इनको मिस नहीं करना है और जितना आप इसको रेगुलरली करोगे ना उतना आप अपने स्किन में पॉजिटिव चेंजेस फील करते चले जाओगे जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगा ऐसा लगेगा हल्का सा पेन हो रहा है तो पुश नहीं करना खुद को आराम से करो हल्का हल्का करो जितना हो सकता है आपसे टाइम्स नहीं हो पा रहा है तो शुरू में वन या टू टाइम ही कर लो वन टाइम से भी स्टार्ट कर लो तो भी मोरदन इनाफ है आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो अच्छा ये जो फेशियल योगा हमने किया है ना नक्सरसाइज ये सिर्फ हमारे फेशियल मसल्स को टोन ही नहीं करेंगी ब्लड का सर्कुलेशन ही इंप्रूव नहीं करेंगी हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है और जितना हमारा माइंड रिलैक्स होता है ना उतनी हमारी स्किन पर भी हेल्दी ग्लो आता है वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल स्टे स्टेपलेस स्टे स्माइलिंग नमस्ते